वेलकम टू इंडियन स्कॉलरशिप्स फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम लोग आदित्य बिरला कोविड कैपिटल स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं। आदित्य बिरला कैपिटल कोविड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में आज के इस वीडियो में फुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो ये आदित्य कैपिटल स्कॉलरशिप भी होने वाली है, तो इसके बारे में फुल डिटेल्स में बात करने वाले कि कौन कौन लोग इसमें एलिजिबल है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह रहने वाला है, कितनी कितनी स्कॉलरशिप अमाउंट मिलने वाले, आज फुल डिटेल्स में बात करने वाले। चलिए बिना की देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिएगा। यहाँ पर हम आ चुके हैं इस वेबसाइट पर, इसका नाम है बेडी फॉर स्टडी की वेबसाइट। यहाँ पर आप आकर बहुत सारी स्कॉलरशिप्स को सर्च कर सकते हैं। तो इस पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट ही दे दिया है, तो आप इसको आकर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे आप आएंगे तो यहाँ पर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको नज़र आएगा कि कौन कौन से स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो क्लास एट से वन से लेकर एट तक के और क्लास नाइन और ट्वेल्थ के इस स्कॉलरशिप स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं, यानी पूरे वन से लेकर पूरे ट्वेल्थ तक के इसको स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी जो रहेंगे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है, तो यहाँ पर ये जनरल वाले इसके अंदर अप्लाई करेंगे और प्रोफेशनल वाले भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस स्कॉलरशिप स्कीम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं वो ग्रेजुएशन स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, और इस स्कॉलरशिप स्कीम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं वो फर्स्ट से लेकर ट्वेल्थ तक के जो भी स्टूडेंट रहेंगे वो अप्लाई कर सकते हैं। तो वो अभी बात करने वाला, और नीचे की वो तो क्लोज़ हो चुकी है 31 जून को। तो अभी बात करने वाला हो कि इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, सबसे पहले वो देख लीजिए। तो इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं, 10 नवंबर इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की, यानी 10 नवंबर से पहले पहले इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह की बात करते हैं। व्यू स्कॉलरशिप डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर आप ट्वेल्थ वाले होंगे, वो फर्स्ट से लेकर ट्वेल्थ वाले होंगे, तो इसको स्कॉलरशिप स्कीम को आप अप्लाई कर लेंगे। और फिर इसमें यहाँ पर आएंगे नीचे, फैमिली के एनुअल की इनकम के बारे में बात करूँ तो आपकी फैमिली की एनुअल इनकम 6 लाख से कम होंगी तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। 6 लाख से कम होंगी फैमिली की एनुअल इनकम तो, और अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका जो अप्लाई करने का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पर देख सकते हैं आप। अगर आपने आपके पैंडेमिक की वजह से, कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से अगर आपके पेरेंट्स को किसी को खो दिया होगा, अगर आपके पेरेंट्स उनकी डेथ हो गई रहेंगी, तो वो आप स्कॉलरशिप स्कीम आपको अगर आप एलिजिबल होंगे तो ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके कोविड पैंडेमिक की वजह से अगर आपके पेरेंट्स आपसे चले गए होंगे या उनको वो लॉस्ट हो गए होंगे, उनकी डेथ हो गई होंगी, तो इस स्कॉलरशिप स्कीम में आप एलिजिबल होते तो ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। पेरेंट्स आपके अगर कोविड-19 की वजह से डेथ हो गई होंगी उनकी, तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। और आप अगर ओपन में भी होंगे और अगर इंडियन होंगे तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। नीचे बात करूँगा, यहाँ पर देखिए ये बेनिफिट के बारे में, तो बेनिफिट के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बेनिफिट के बारे में क्या है, तो क्लास फर्स्ट से लेकर एट तक के जो स्टूडेंट है उनको 24,000 रुपीज़ मिल सकते हैं, और क्लास नाइन से लेकर जो ट्वेल्थ तक के हैं उनको 30,000 रुपीज़ मिल सकती है। 24,000 रुपीज़ और 30,000 रुपीज़ ये आपको मिल सकती है। अगर आप क्लास वन से लेकर एट तक के स्टूडेंट हैं तो आपको 24 मिल सकती है स्कॉलरशिप अमाउंट, और फिर उसके बाद क्लास नाइन से लेकर ट्वेल्थ तक के है तो आपकी 30,000 रुपीज़ अमाउंट मिल सकती है, रिसीव हो सकती है आपको अगर आप उसमें सिलेक्ट हो गए तो। इसके बाद आपको प्रीवियस की मार्कशीट आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी और आपका आधार कार्ड यहाँ पर देना पड़ेगा जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं उनका, और करंट ईयर की जो एकेडमिक ईयर का प्रूफ होता है वो आपको देना पड़ेगा कि क्या आप स्टडी कर रहे हैं वहाँ पर, या तो फिर फीस देनी पड़ेगी या तो फिर आपको बोनाफाइड वगैरह देना पड़ेगा आपको जो भी क्लास में पढ़ रहे हैं उसका। और मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट देनी पड़ेगी आपको डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा आपके पेरेंट्स का। आप मेन जो अप्लाई करेंगे वो कोविड-19 की वजह से अगर आपके पेरेंट्स की डेथ हो गई है तो ही इसको अप्लाई करेंगे, तो उनका डेथ सर्टिफिकेट उसको आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। और प्रूफ ऑफ डेथ के लिए यहाँ पर वो हॉस्पिटल की रिसिप्ट वगैरह आप जमा कर सकते हैं, उसमें सबमिट कर सकते हैं। बैंक डिटेल्स देनी पड़ेंगी, वो आपकी हो सकती है एप्लीकेंट की हो सकती है या फिर उसके पेरेंट्स की भी बैंक डिटेल्स चल सकती है। फिर उसके बाद इनकम प्रूफ देना पड़ेगा आपको, इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, फोटोग्राफ या एप्लीकेंट का आपको देना पड़ेगा। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद ये देखिए ग्रेजुएशन जो स्टूडेंट अप्लाई करेंगे तो उसके बारे में भी मैं डिटेल बता रहा हूँ। अब जो ग्रेजुएशन स्टूडेंट अप्लाई करेंगे तो उनको तो यहाँ पर मिनिमम ये फैमिली की एनुअल इनकम 6 लाख से कम होनी चाहिए, फिर फैमिली की एनुअल इनकम
तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया उसमें भी और इसमें भी सेम है कि आपके अगर COVID-19 की वजह से, कोविड पैंडेमिक की वजह से अगर आपने पेरेंट्स को खो दिया होगा, उनकी डेथ हो गई रहेंगी, वो लॉस्ट हो गए रहेंगे, तो इस स्कॉलरशिप स्कीम को आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स COVID-19 की वजह से ये सब हादसा हो गया रहेगा तो इसके बाद यहाँ पर देखिए ओपन जो भी ऑल ओवर इंडिया से होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ओनली फॉर इंडिया इंडियंस इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप अगर जनरल कर रहे कोर्स जैसे कि बी कर रहे, आप अगर यहाँ पर ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन स्टूडेंट है और वो जनरल में है तो इसको जनरल कोर्स कर रहे तो इसको 36,000 रुपीज़ आपको रिसीव हो सकते हैं, और अगर प्रोफेशनल कोर्स कर रहे तो आपको 60,000 रुपीज़ रिसीव हो सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए जनरल के लिए 36 रिसीव हो सकते हैं और अगर प्रोफेशनल कर रहे हैं तो उसको 60,000 रुपीज़ रिसीव हो सकते हैं, ग्रेजुएशन के ऊपर आपके डिपेंड करता है। इसके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, तो प्रीवियस की मार्कशीट आपको लगेंगी, प्रीवियस कोर्स जो भी किया आपकी उसकी, तो इसके बाद आधार कार्ड लगेगा आपका, आधार कार्ड उसकी फ़ोटो आपको अपलोड करनी पड़ेगी, करंट ईयर की फ़ीस रिसिप्ट लगेंगी जो भी आप करंट ईयर कर रहे हैं अभी वो लगेगा। फिर इसके बाद पेरेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पेरेंट्स की यहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट लगेगा, जो भी पेरेंट्स आपका COVID-19 की वजह से उनकी डेथ हो गई है तो डेथ सर्टिफिकेट लगेगा। और फिर उसके बाद हॉस्पिटल की रिसिप्ट वगैरह आप देख सकते हैं उसके अंदर दे सकते हैं। फिर उसके बाद रिसिप्ट ये मेडिकल की दे सकते हैं, मेडिकल COVID-19 की वजह से जो मेडिकल वगैरह में आपने अगर इलाज उनका किया रहेगा तो उनकी वो डिटेल दे सकते हैं। बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी पड़ेंगी और उसका एक फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा और इनकम सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। और लास्ट में आता है कि आपको स्टूडेंट का फोटोग्राफ देना पड़ेगा, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी और ये ओपन रहने वाली है 10 नवंबर 2022 से पहले पहले इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, एंड 10 नवंबर 2022 से पहले पहले इसको आप अप्लाई करके फाइनल सबमिट कर सकते हैं। और नीचे आपको बताऊँ तो यहाँ पर देखिए ये जो जनवरी जैन की है तो आप उसको चेक रिजल्ट पर क्लिक करके देख सकते हैं कि किन किन स्टूडेंट को वो रिसीव हुई थी, वो आप इसी हिसाब से वो देख सकते हैं। तो इसमें अगर एलिजिबल होते हैं तो कौन से स्टूडेंट्स में अंदर एलिजिबल होते हैं, जो 1 से लेकर 12 तक के होंगे स्टूडेंट और अंडर ग्रेजुएट होंगे और या फिर प्रोफेशनल या फिर दूसरा कोई जनरल कोर्स कर रहे हैं वो, लेकिन मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके रीज़न होते हैं आप इसको अप्लाई करने का, अगर आपके पेरेंट्स अगर COVID-19 की वजह से उनकी अगर डेथ हो गई रहेंगी तो ही इस स्कॉलरशिप स्कीम में आप एलिजिबल होते, अदरवाइज इस स्कॉलरशिप स्कीम में आप एलिजिबल नहीं होते। अगर आपकी पेरेंट्स अगर डेथ हो गए रहेंगे तो ही इस स्कॉलरशिप में आप अप्लाई कर सकते हैं और ये फुल्ली यहाँ पर ये प्राइवेट स्कॉलरशिप होने वाली है, तो किसी भी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप स्कीम को अप्लाई करते हुए इसको बेझिझक आप अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट स्कॉलरशिप है तो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप स्कीम के साथ इसको अप्लाई आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करके अप्लाई आप कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, आपको कैसे अप्लाई करना है वो दूसरी भी वीडियोस बनाई हुई है, अब तो आप उसमें देख लीजिए तो आपको समझ जाएंगे कि आपको कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक नए वीडियो के साथ।